गाइस आज भी लेट हो गए यार। आज हमने जाना है बड़े ज़रूरी काम से, जो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करवाने के लिए, मगर हो नहीं पा रहा था। गाड़ी की एंट्री के 20 रुपये लगे और एंट्री जो होगी वो होगी अपनी 80 रुपीज़ पर पर्सन। आज भी लेट हो गए यार। आज हमने जाना है बड़े ज़रूरी काम से, जो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे करवाने के लिए, मगर हो नहीं पा रहा था। आज फाइनली हो रहा है। और वो क्या काम है? फोन चार्ज भी नहीं। हाँ तो क्या काम है? वो काम है कि आज हम जा रहे हैं टीका लगवाने। किस चीज़ का टीका? क्या लगवाने जा रहे हैं? वैक्सीन का टीका। मैं और भाई साहब ही रह गए वैसे। मम्मी पापा ने तो दोनों डोजेस लगा लिए, बस मैं और ये बच्चा अब टीका लगा रहे हैं। ये अभी भी इंटरेस्टेड नहीं था तो मैंने करवा दिया। ये इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ही था इंटरेस्टेड। मैं घूमने फिरने वाला आदमी, मेरे को तो चाहिए। 12 बजे तक लास्ट टाइम है और एक भी बज गए, अभी भी इसको कोई ध्यान नहीं है। एक बज गया, एक 12 नहीं 2 बजे तक का लास्ट टाइम है। सॉक्स मिल गए फाइनली। क्या करूं बंद, बोलो दरवाजे बंद कर, सब बंद तो है ठीक से, उससे ज़्यादा क्या बंद करो। कुछ भी, चलो चलते हैं। सो फाइनली हम निकल चुके हैं गाइस। आज हमने आपका वेलकम नहीं किया। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू दिल के व्लॉग्स। तो चलिए चलते हैं आज टीका लगवाने। ये मजा नहीं आ रहा है, इतनी कोई खुशी नहीं है। नहीं यार, मेरे को खुशी है भाई, मेरी काफ़ी राहत मिल जाएगी काफ़ी चीज़ों में भाई। जाओ आगे जाओ भाई, वो जाने हो क्यों नहीं नहीं जब क्यों आ गया? व्लॉगर है मैं यार, मेरे को तो वैसे ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए, मगर चलो ड्राइविंग सीट पे नहीं होना चाहिए। बेशक नहीं है ना गर्मी, तब भी उतनी है। गाड़ी वैसी गर्म हुई है हमारी। सो यार, जहां आज हम वैक्सीन लगाने जा रहे हैं वो है चैतन्य हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल। तो वो है बल्टाना में, शायद मेन हाईवे के साथ ही है जहाँ तक अभी तक हमने नोटिस किया है। बता तो वो वही रहा है कि वो मेन हाईवे पे ही है। तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगने, क्योंकि ये देखो फ्लाईओवर से नीचे तो ले लिया, लेफ्ट हो गया बल्टाना और टाइम अभी सिर्फ 1:12 हुआ। देखो 6 मिनट में हम पहुँच भी गए। अभी देखते हैं, अभी पहुंचे नहीं है, अभी हॉस्पिटल लोकेट भी करना है। लोकेट भी करना है, अभी यही नहीं पता कि है कहाँ वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। हम पहुंच चुके हैं फाइनली, मिल चुका है हमें चैतन्य पब्लिक हॉस्पिटल, सामने ही है हमारे। सब एटीएम से पैसा निकालू मैं, पहले पैसा बाद में कैसा। सो गाइस फाइनली वैक्सीन डन। थोड़ी सी दर्द हो रही है। हाँ हल्की हल्की दर्द हो रही है, मगर जब लगाया तब बिल्कुल फील नहीं हुआ। अभी मगर थी वो लगाने वाली। हाँ सॉफ्ट हैंड के साथ बिल्कुल अच्छे से लगाया, मगर हाँ वो दिक्कत है कि क्या बोलते हैं, अभी हल्का हल्का पेन हो रहा है बाजू में। हमने लगाई है कौन सी? कोविशील्ड। और भी कोविशील्ड भी लगा रहे हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है वैक्सीन। हाँ मिलना भी थोड़ा भी टफ हो गया कोवैक्सीन का। और एक और बात, हमने पे किया है, यहाँ हमने 780 पर डोज पे किया है, मतलब पर पर्सन 780, क्योंकि ये प्राइवेट है, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो हमें पे करना पड़ा, मगर चलो कोई दिक्कत नहीं। नो वरीज, हॉस्पिटल में था भी नहीं स्लॉट। हाँ सही बात है, मिल नहीं रहा था, हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, तभी हम लगवा भी नहीं पा रहे थे इतने टाइम से।
चलो हो गया, कोई नहीं यार, हमें तो वैक्सीन से मतलब है, मगर हो गया, अब देखते हैं कोई फेवर। मगर हमें अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखा यार। क्यों रखते नहीं आप? देखते हैं सही में, हमें मतलब ऐसा हमारे को ना बोला उन्होंने कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहो आप फॉर हाफ एन आवर समथिंग उन्होंने बोला। हम मेरा हाथ, ये वाला हाथ थक भी रहा है, मैं इसे कर रहा हूँ ना, मेरा हाथ थक रहा है, पता नहीं। अब देखते हैं जैसा जैसा हमें फील होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ हम एक PCM लेके रखेंगे, मतलब अगर बाय चांस हमें फीवर या कुछ और तो लेके रखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट दोबारा जो कोविशील्ड है वो लगाई है हमने। आधार पूना वाला सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, अब हमें दूसरा डोज आफ्टर 84 डेज लगेगा ना। बट आप लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट से ना प्राउड होना चाहिए, वो दुनिया की 156 कंट्रीज के लिए वैक्सीन बनाते हैं। इंडिया में बेस्ड है, पुणे बेस्ड है। सही बात है, और इतना बड़ा फर्म है। तो हमने सोचा था निकले तो है वैक्सीनेशन लगाने, तो क्यों ना कहीं और भी जाया जाए। वैक्सीनेशन की खुशी में लग तो गई है वैक्सीनेशन, तो बाहर भी घुमा जाए, एक्सप्लोर किया जाए थोड़ा। हम आए हैं एयरपोर्ट रोड पर और यहाँ गड्ढे, पक्की सड़क के गड्ढे भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा है इस रोड पे। हाँ भाई, अलग ही। अगर आप रात को चल रहे हो ना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रोड एकदम मेटल, आप पूरी स्पीड में चलते हो और एकदम गड्ढा आता है मुंह के सामने। और ऐसे वैसे गड्ढे नहीं है भाई, काफी डीप है, बहुत ज्यादा डीप गड्ढे है। सो बी केयरफुल जब भी आप इस रोड पे हो, तो ध्यान से आराम से अपनी स्पीड बिल्कुल आराम से मेंटेन करके चलो। हाँ जो तो हैवी ड्राइवर है वो तो निकल लो। रास्ता कहीं और भी कनेक्ट होता होगा, तो आज हम जा रहे हैं छतबीर जू, जो है जीरकपुर से थोड़ा ही दूर, 4-5 किलोमीटर के गैप में। तो ये जाता है आपके एयरपोर्ट रोड होते हुए पटियाला वाले रोड में निकलते, बस वहाँ से आपको लेफ्ट ले लेना है, पटियाला रोड में आगे नहीं जाना। ट्रैफिक में लग रहा है लोग वो भरी पड़ी है भाई गाड़ियाँ। जू एंट्री अब कितनी होगी पता नहीं दोस्तों, कितने घंटे की ऐसा है एंट्री देखो दोस्तों। 20 रुपये लगने हैं, 20 रुपये। तो गाइस देखो हमें अपनी क्या बोलते गाड़ी की एंट्री के 20 रुपये लगे, और पर पर्सन जू में एंट्री जो होगी वो होगी अपनी 80 रुपीज पर पर्सन। तो चलो चलते हैं, देख के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं अभी। हाँ वेट, तो यार गाइस यहाँ टाइमिंग है डिफरेंट, सुबह शुरुआत हो जाती है, आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। कोई बारी अभी ब्रेक है, 3 टाइम के स्लॉट्स है उसमें आ सकते हो आप, और कैपेसिटी 1800 है मैक्स। टाइमिंग 10:30 AM to 11:30 फिर 12 to 2 to 2:30 PM to 4:30 है, 3 स्लॉट्स जिसमें 1800 मैक्स कैपेसिटी होगी। तो अभी हम थोड़े ऐसे टाइम पे पहुँचे तो हम 2:30 वाले स्लॉट में जाएंगे। अभी टिकट्स ने मिल नहीं रही है, सब वेट कर रहे हैं अभी। ऑनलाइन क्यों नहीं करवाता तो? देखो ऑनलाइन भी करवा सकते हो टिकट्स। हाँ तो यार अगर आप ऑनलाइन भी टिकट्स बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, साइट है उनकी www.chatbirzoo.gov.in। तो हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं मिल जाती है तो बढ़िया है, तो लाइन में क्यों खड़ना, ऑनलाइन बुक करवा के। ये सारा ना वेटिंग एरिया है, जैसे अभी रुके हैं, अभी एंट्री वगैरह अभी वेट करना है, तो ये सारा वेटिंग एरिया है। देखो फूड प्लाजा इस साइड को जो अभी बना नहीं है, अब हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, मम्मा ने वॉशरूम जाना है। वो है वहाँ, वो सामने, वो दिखा मुझे एंड में। ये एंट्री है TEM 220, 10 मिनट में अपनी एंट्री है, चल चल पड़ेगी। ये सारे अभी टिकट्स ले गए हमने, ले ली पहले ही। हाँ स्मार्ट वर्क। वॉशरूम यहाँ साइड में जाते, अगर आप लोग अभी ढूंढ रहे हो तो देखो सामने साइड में जाते हैं वॉशरूम। बस थोड़ा जैसे भी कैमरा पकड़ूँ तो थोड़ी तकलीफ हो रही है हाथ में, बाकी कुछ नहीं, बाकी ऐसा कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। खुद ही ऐसी कुछ टिकट है हमारी,
ब्राइटनेस फुल होने के बाद भी दिख नहीं रही है। अंकल यही है ना टिकट ऑनलाइन बुक करवाई हमने, तीन है ना, कैमरे के अलग से वो भी है। तो कितना अंकल जी घूमने फिरने के लिए अंदर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है, तो कितने जानवर वगैरह मतलब सारे है लगभग है? सारे है, ठीक है। 4 किलोमीटर एंट्री भी थोड़ा टट्टी है। 4 किलोमीटर है मम्मी, चल पड़ोगे? रेडी है मम्मी? कितना टाइम हुआ देखो? हो गया होगा अब तो, देखो खड़े है सब लड़के। लॉन गले ठीक है, ये हो गया जी, हम तीन की एंट्री हो गई है। ओह गाड़ियों में तो नहीं घूमना अपनी है, गाड़ियों में। और देखो वहाँ लिखा है वेलकम टू छतबीर, ठीक है काफ़ी है इतना ही। क्या बात है, हवा बहुत बढ़िया है यार, हवा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया चली है यहाँ यार। भाई देखो यहाँ आप जैसे बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, जो छोटी है उसका कॉस्ट 500 है, जो बड़ी उसका 1000 है। छोटी है 6 सीटर, बड़ी है 12 सीटर, अगर आप करना चाहो योर विश। बट हम पैदल, हम पैदल, हम तो भाई हम। और बाकी ये देखो ये है कुछ ऐसा मैप, यहाँ पे है यू आर हियर, हम है इधर, कहाँ है तो यू आर हियर, हाँ वी आर हियर। देखो अभी यहाँ शुरू किया है भाई, बहुत बड़ा है यार, लायन सफारी तक पहुँच पाएंगे, डायनासोर पार्क, लेक भी है भाई, की कॉम्प्लेक्स 1 2, टाइगर कॉम्प्लेक्स, हिप्पो कॉम्प्लेक्स, सारे कॉम्प्लेक्स है। देखो 18 कॉम्प्लेक्सेज हैं इन टोटल, अब आप कवर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, 2 घंटे हैं आपके पास। सो अभी देखो यहाँ साइन बोर्ड्स दिए हुए दिस वे, तो यहाँ से घूमते घूमते पूरा कवर करते करते चलेंगे। आई डोंट नो, देखो है ना क्या बढ़िया हवा चल रही है, पानी गंदा प्लीजिंग सा है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा है। तपती धूप में नहीं आए हम, सबसे अच्छी बात वो है, हम आए बिल्कुल बादल वाले माहौल में। कोई यहाँ है? कोई वहाँ है, देख देखो वो, देख इधर कोई बैठे है देखो। हेलो है, इनका नाम क्या है? ये वो क्या बोलते हैं, रेसिस मेक, अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सॉरी अगर गलत कर रहा हूँ। तंग आ गए बेचारे अंदर ही अंदर, हमारे जंगल से लाने चाहिए जिससे हमारे जंगल में ना लोन ली नहीं था बेचारे, मेरे ख्याल से तो यही हो ना, लायन टेल नहीं बट लायन टेल, तो उसकी लायन टेल मेरे ख्याल से कॉमन लंगूर, कॉमन लंगूर कैन बी इट कैन, ये हमारे कॉमन लंगूर है। हाय हेलो हेलो फ्रेंड, बेचारा ये तंग आया हुआ यार देखो, और इकलौता है बेचारा देखो अंदर, बॉन्डेड मैकेक, ये नॉर्मल मंकी जैसे। हेलो बंद्रू, हेलो, नहीं सबकी बहाव है भाई यहाँ नहीं देखते। मैंने IUNSC स्टेटस भी लिखा है इनका कि ये थ्रेटन्ड है, वल्नरेबल है, तो कोई लेना देना नहीं, बहुत इजीली मिल जाता है। अच्छा रीसस ये वाला है भाई, वो लायन टेल वो पीछे वाले हो गए, ये रीसस नॉर्मल जो होता है, हाँ ये बेचारा सेम है। एक और है वहाँ, ये तो नॉर्मल वैसे लग रहे हैं जैसे हमारे शिमला में भी होते हैं, मे बी नॉर्मल मंकीज जो है। वो हमने, हमें रश से आगे बढ़ के आगे जाना है। ये खाली है, ओ अच्छा ये सामने है। हेलो दोस्त फ्रेंड, हेलो कर दे यार, देख भी नहीं रहा है मेरी तरफ। देखो ये लग रहे ज़्यादा शैतान हो रहे, और ये मेरे को वो लग रहे देखो लटके हुए, ये छोटे छोटे बच्चे, ये मेरे को लग रहा है ना एक ही टाइप के मंकीज डाल दिए इसमें और नाम अलग अलग दे दिए। सो मंकी डिफरेंट टाइप ऑफ मंकीज हमने देख लिए सारे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है हमें। आवाज़ें टाइगर, एक कोई और, कोई और ही बन टाइगर, सलमान खान नहीं भाई, टाइगर टाइगर असली का टाइगर। यहाँ टाइगर अब देखने को देखते हैं, वो रहा टाइगर भाई, वो भाई साहब वो देखो, वो बैठे टाइगर भाई साहब।
इतना गैप नीचे को तभी रखा है ना, देखो इतनी कहाँ खाएगा, कितना बड़ा है यार। सही बात है। हेलो फ्रेंड, मेरे हाथ में सॉरी दर्द है यार, माफ करियो। ये है टाइगर भाई साहब, ये असलियत में देखने में तो और भी अलग लगता है। अलग है क्या बात है, इतना पंजा देखो, पंजा इतना बड़ा है। मूवी भी ऐसी है, देख तो रहा है। इसके पास एरिया कितना बड़ा है यार, दिया हुआ इसको। सिंगल ही होगा, हाँ सिंगल ही, सिंगल ही लग रहा है। ये देखो और क्लोजनेस, और क्लोजनेस से देखो यार, ये गोप्रो में ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं भाई। ये नींद में अभी ये बोल रहा है भाई तंग करने की, इसकी नींद का टाइम है, नैप टाइम है इसका यार। कहाँ है वाइट टाइगर? ये बंगाल टाइगर है भाई, टाइगर इस साइड को। वाइट टाइगर तो और भी रेयर होता है भाई। वो ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है, कूल ड्रिंकिंग वाटर बाय चांस। आप पानी पुनी ना लो, बॉटल ज़रूर लो, बॉटल भी ना लो, ऐसे पी सकते हो, बट टू बी सेफ ऑन सेफर साइड। वाइट टाइगर यहाँ लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ। अब हाँ ये तो क्यों ही हो गया, तो होते भी बड़े रेयर है यार। देखो यार हमारे को बोला गया है, मतलब यहाँ मार्किंग लगी थी वाइट टाइगर की, मगर वाइट टाइगर दिख नहीं रहा है कहीं भी। कोशिश तो हमने बहुत की है ढूंढने की, पूरा चप्पा चप्पा छान मारा हमने, सीआईडी बन गए थे वाइट टाइगर के लिए, मगर मिला नहीं, नहीं। यार वरना वो लोग ना परे जो आए वो देखो, वो ना उनको तार तार ले जाता परे को। नहीं है, सही बात है, ये काट वाला भी इनको उस साइड को नहीं ले गया। हाँ तो अभी हमें हिप्पो दरिया घोड़ा वो देखने को मिलेगा। देखो कितने सुंदर लग रहे पेड़, गुड वेरी गुड भाई साहब। वहाँ तैर रहे वो देखो, हाँ अच्छा हो जाएगा शॉट। ये देखो दरिया घोड़ा, इसका मुंह ही देखो कितना बड़ा है भाई। ग्रीन ग्रीन पानी कैसी इसकी, नहीं अरे को रहा इधर हमारी साइड में देखो, इधर को आ रहे हैं। ओह क्या बात है, ओह क्या वार्निंग दे रहे हैं हमें, फिर से एक बार साइरन सा बजा दे। चल कमान 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 हिप्पो, गुड गुड बॉय। देखो जी अभी हमने देख लिया टाइगर, वाइट टाइगर इन्होंने दिखाया नहीं था, नहीं वो बाकी देखा हमने हिप्पो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, बोर्ड दिया हुआ तो है किसी चीज़ का सामने। अब एलिफेंट है भाई, हाथी मेरे साथी। शेल्टर्स भी हैं काफ़ी अगर आप बैठना चाहते हो, ये देखो झूले लगाए हुए पेड़ों से लटका के, इतने ऊंचे ऊंचे मज़ा आता होगा इसमें यार। दे दो आगे ये। ये देखो आती यार, इसमें गोप्रो में चक्कर इतना क्लियरली दिखेगा नहीं आता। तो मैंने कर दिया रिकॉर्ड, इन्होंने कर दिया रिकॉर्ड, और काफ़ी ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इतना प्यारा लग रहा है हाथी, इतने शरीफ लगते हैं हाथी यार ये। हाँ है ना देखने में। इंडियन एलिफेंट स्टेटस IUCN स्टेटस, इट्स एंडेंजर्ड, सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम। हाँ इनके टस्क काट दिया भाई, किसी के नहीं देखा तो ने। वो देखो वहाँ कितने नज़दीक चले गया।
अगर आपको दिख रहा होगा देखो, हाइना, इमू, लायन सफारी, कैंटीन, जैकल और लेपर्ड आगे, और देखो टॉयलेट भी है यहाँ बीच में। सो ऐसा कोई टेंशन नहीं आपको कि वॉशरूम वगैरह का, पानी पीने का, देखो ड्रिंकिंग वाटर का एक और सोर्स आ गया यहाँ, लक्कड़ बग्गा, और वो खतरनाक होता है भाई साहब लक्कड़ बग्गा। ये जो सोया हुआ वो है यार लक्कड़ बग्गा सोया हुआ, वो सोया हुआ देखो अंदर अपने, इसको गर्मी लग रही होगी, सो गया, मगर बड़ा शांत है भाई। तो यार ये बेसिकली लोग सोचते हैं कि ये कैट फैमिली से, सॉरी डॉग फैमिली से, बट ये कैट फैमिली से होता है। ये बहुत खतरनाक होता है ये, जब मतलब शेर शिकार कर देता है ना तो बेसिकली उसके बाद ही आता है, और शेर को वहाँ से जाना पड़ता है, तो और ये बहुत वायलेंट भी होता है। इसको आप जितना ट्रेन कर लो तब भी चांसेस पूरे नहीं होते कि ट्रेन हुआ है कि नहीं। ये है इंडियन वुल्फ जिसका स्टेटस है इंडेंजर्ड, अब दिख नहीं रहा कहाँ है वो भी सोया हुआ ना, इंडियन वुल्फ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जी ये तो क्लोज्ड है, लिखा है सामने लायन सफारी कान बी डन। ओके ये देखो दिस फैसिलिटी हैज बीन क्लोज टेम्परेली, ये देखो टिकट 75 की टिकट थी मगर हम बच गए उससे, टेम्परेली सब कुछ ही क्लोज है। और ये शायद कैंटीन है जो कि वो भी बंद है, सही बात है, शायद ये तो कोविड करके बंद होगी अगर होगी कैंटीन। बाकी लेपर्ड दिखा रहा है आगे, ये होगा यही होना सामने लेपर्ड, ये है नींद लग गई इसको देखते ही। ओ और भी है पीछे दो यार, एक ही थोड़ा, दो और है पीछे को उस साइड को, दो और बैठे हैं, एक भाई साहब इधर है, सिंहासन इसने लिया, इनको नहीं मान रहे दूसरों को। हेलो ये देखो क्या लिखा है, डायनासोर 50 मीटर्स अहेड। पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया मगर छतबीर जू वाले तब भी ढूंढ के लाए डायनासोर, देखो छतबीर जू डायनासोर पार्क शायद ये बंद है, इट इज़ क्लोज्ड आई थिंक। देखो स्लॉथ बियर है यार, ये तो वैसे ही सोया होगा वो, एंड में जाके शायद अगर है, सही बात है, यहाँ कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं। देखो यार यहाँ पक्षियों के लिए डायरेक्शन दी थी मगर आगे बस 10 मीटर आगे जाके लिखा है आउट ऑफ बाउंड्स, आगे जा नहीं सकते, तो फ़ायदा क्या है, लगाया क्यों है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए तो अच्छा पार्क है। सही बात है, ऐसे ही घूमने और डेटा एज 23 different types of gold. और इतने भारी ये लगाए हुए इन्होंने, जिसके वैक्सीन लगी हो कैसे अटैक जैसे मैं। सो गाइज हम इतना ही कर पाएंगे रिकॉर्ड यार, क्योंकि बैटरी ख़त्म होने वाली है, ऑलमोस्ट 10% बची है मेरे गोप्रो में, तो अब इतना ही दिखा पाएंगे। तो अपने रिव्यूज़ दीजिए अब छतबीर जू के बारे में, मैं क्या बताऊँ, नहीं बताओ अपना वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लगा आपको, क्या अच्छा है क्या नहीं है बताओ। कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसी है नाम का जानवर एक एक दो दो रखे है, इससे ज़्यादा अच्छे तो हमारे जंगलों में जानवर होते हैं। यार सीन क्या है कि मैं हमेशा सोचता था मेरे घर के पास ना एक जू है, लेट्स गो देयर, इतना एक्साइटमेंट था, मैं थोड़ा जोर से बोला, वैक्सीन लगाने के बाद इमीडिएटली, हां सही बात है, आए यहां 4 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, वो हमारी अक्कल नहीं थी, हम एक गाड़ी भी ले सकते थे जिसमें बैठ सकते थे बंदे, बट हमने सोचा कि हम तो जय जवान जय किसान हैं, तो हम गए ऐसे 4 किलोमीटर पैदल चल के,
अब 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इंसान सोचता है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, भाई कुछ नहीं मिला देखने को। देखो ऐसा नहीं है, 2-3 जगह है जानवर, बट सिंगल छोटे है या एक ही है, कहीं सोया हुआ जानवर, कहीं सोया हुआ है, मतलब वो इतना मजा नहीं है, मतलब वो इतना ज्यादा मजा नहीं उस जानवर को देखने का। कई जगह खाली भी थी जहां पे जानवर, हां कई जगह ऐसा था जहां पे बोला है वहां पे जानवर थे नहीं, जैसे स्नेक हाउस और रेप्टाइल हाउस वहां पे था ही नहीं कुछ भी, लायन सफारी। मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार आप यहां पे पता कर लो कि कौन से जानवर है तभी आओ, ऐसा इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं यहाँ देखने के लिए। जब मैं देता हूँ रिव्यू तो जहाँ तक बोलते ना नाम बड़े दर्शन छोटे, वो सीन था यहाँ। ठीक है थोड़े बहुत जानवर है वो भी ऐसी एक एक दो दो जो इन्होंने बताया, सेम एमिनिटीज़ आप बोल सकते हो। ठीक है पीने का पानी वो भी कई जगह है, कई जगह नहीं चल रहा है, वॉशरूम्स है ठीक है, बाकी आप गाड़ी ले जा सकते हो अंदर का, कोशिश करना गाड़ी लेना, पैदल चल चल के पागल हो जाओगे इतना ऐसा कुछ। चलो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ चलो चलना काफ़ी दिन, और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शांति बहुत है यार, शांति बहुत है। आप यहाँ पे आ सकते हो, पिकनिक कर सकते हो बढ़िया, खाने पीने का लाओ खुद ही लेके आना खाने पीने, उम्मीद मत रखना कोरोना करके यहाँ पे सब कुछ बंद है। सो गाइस देखो यार अभी हम जब आए थे तो हम आए थे अपने पटियाला मतलब एरो सिटी वाले रोड से जो है अपना एयरपोर्ट वाला रोड, अब हम वापस जा रहे हैं वाया क्या बोलते हैं अपना अम्बाला वाला रोड जो निकलता है अपना थ्रू डी मार्ट या ढिलन जहाँ पे ढिलन आईनॉक्स या जहाँ अपना वो है डी कैथलोन है उसके साथ जो रास्ता जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ बीकानेर वाला है, तो हमने यहाँ खा पी के बढ़िया सब कुछ। देखो भाई ने कुलचा खाया, मैंने चाउमीन खाया, नूडल्स खाए, मम्मा ने डोसा खाया, अब हम बस कुल्हड़ चाय का वेट कर रहे हैं, चाय पी के जदे ही निकल जाएगा हम यहाँ से। बैटरी कम है तो मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, बताया नहीं आपको, और भूख भी लगी थी तो खा पी के जल्दी से, पता ही आपको मैं दिखाता कम हूँ, खा जल्दी जाता हूँ। सो गाइस फाइनली वी आर बैक होम, अब भाई ने नहाना है बढ़िया एकदम चकाचक, अभी हमारे भाई साहब गए, वो टाइम लगाते हैं काफी, आराम से आधा एक घंटा लगेगा उनको नहाने में, मैं सोचा बताता हूँ आपको अपने बारे में। सो देखो अभी तक मुझे ऐसा कोई ना बुखार आया है, बस हल्का हल्का पेन है जहाँ मुझे वैक्सीन लगी है, मतलब बाजू भी नहीं उठाई जा रही, वहाँ दर्द है, लिटरली वहाँ दर्द है, वहाँ वो मैं बता देता हूँ। बाकी हाँ ऐसे कोई फीवर या कुछ भी कोई सिम्टम्स ऐसे कुछ नहीं आया मुझे, आई एम ऑल फाइन। आज गिम्बल में रिकॉर्ड हो रहा है, फोन में रिकॉर्ड यार वो जरा गोप्रो चार्ज हो रहा है तो यार, वो छोड़ क्या बताना है। बाकी मुझे ये बता तुझे जो वैक्सीन लगी अभी ना उसके कुछ हुआ यार, कुछ टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था मुझे बहुत बुखार आएगा, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था, बट ना देखो इतना चले हम उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद, लोग मुझे बोल रहे थे कि खा लेना कुछ ताकि आपको बुखार ना आए, बट ना हमने खाया ना कुछ, हम 4 किलोमीटर पैदल चले, वो भी कड़ी धूप में कड़ी गर्मी में, तो ऐसा जब नहा के भी मुझे फील हो रहा है कि मुझे कोई फीवर तो है नहीं है ना, मुझे कोई सुस्ती है शरीर में, मुझे सिर्फ एक चीज है वो है बाजू में दर्द जो कि मुझे चके नहीं जा रही है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग सेम है वो, तो मेरा भी यही हाल है, तुझे कोई बुखार नहीं आया? बुखार तो नाम का नहीं भाई अभी तक, देख बिल्कुल फ्रेश। सो गाइज आज का दिन इतना ही था आज, मगर थक काफ़ी चुके हैं तो अभी मैं तो नहाने जा रहा हूँ ताकि थोड़ा टांगों को आराम मिले, थोड़ा खुद को आराम मिले। बाकी बस आज के लिए इतना ही गाइज, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जाने से पहले बेल आइकन ज़रूर दबाए। बाकी मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टिल देन सी यू टाटा बाय।